तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बाबा विलाट का शो शहर में। आज हम आए हुए हैं जयपुर शहर के इन छोटे से गलियारों में, लेकिन इन छोटे से गलियारों में यहाँ रहते हैं बड़े बड़े कलाकार। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि पतंगी को जो है डिज़ाइन की जा रही है, क्योंकि जयपुर शहर में जो है मकर संक्रांति पे इतनी ज़्यादा पतंगें उड़ाई जाती है कि आप छतों से नीचे उतरने का मन नहीं करता है आपका। तो आज हम आए हुए हैं जयपुर के एक कारखाने में, जहाँ पे ये पतंगों का जो रॉ मटेरियल है और पतंगों का आकार जहाँ तक पहुँचाया जाता है, मतलब एक कलाकार जो है उसको एक आकार दिया जाता है पतंगों को। तो हम उस कारखाने में आए हुए हैं, चलिए अंदर चल के बातचीत करते हैं इन लोगों से, कैसे ये एक पतंग को पूरा डिज़ाइन करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आ जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद है साविर जी। हम साविर जी से बात करना चाहेंगे कि ये क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या नहीं है। तो आप साविर जी हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। और ये शेप लिया जा रहा है इसका भी। अच्छा, तो इसके बाद ये इसकी शेपिंग आएगी पूरी, फिर इसके बाद ये तैयारी पे जाएगा। तो ये कितनी देर का प्रोसेस होता है एक रोल को उतारने के लिए? वो तो 5-10 मिनट। अच्छा, एक रोल में कितने पतंगों का मटेरियल उतरता है? वो तो क्वांटिटी के हिसाब से होता है, रील के हिसाब से। 10,000 पतंग का भी होता है, 1,000 पतंग का भी होता है। तो आप इस कारोबार में कितने सालों से हैं? हो गए 25 साल। 25 सालों से हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पतंगों का जो है स्टॉक कितना सारा रखा हुआ है, रॉ मटेरियल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तैयार की गई पतंगे भी आप देख सकते हैं। कैमरामैन आप थोड़ा सा अंदर आ जाएं, यहाँ पे दिखाएं इनको। बाद में जो प्रोसेस किया जाता है साबिर जी, उसके बारे में जरा बताएं हमें। इसके बाद का खड्डा लगता है, कबानी लगती है, टेप लगता है। अच्छा, इसके बाद का तो वो भी यहीं चल रहा है, सब यही होता है। ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा आप उस वहाँ तक ले चलें। अमीन अमीन भाई, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ कमान और ठड्डे लग रहे हैं बड़ी। अच्छा, पतंगों के वो जो है वो ठड्डे लग रहे हैं जी। ठीक है, और ये कमान लग रही है जी। तो ये पतंगों का जो पन्नी है वो आपके तुम्हारे पास पिताजी काट रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन में कितनी पतंगे तैयार हो जाती है? ये दो तीन मिल करके 1,000 पतंगे तैयार कर देते हैं एक दिन में। जी, एक दिन में 1,000 पतंगे जो है यहाँ पे तैयार हो जाती है, कमाल की बात है। और ये सारा रॉ मटेरियल ही सारा। और क्या ये सारी पतंगें तुम्हारे जी, 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 द्वारा बनाई गई? सब ये हमारे कारीगरों के द्वारा, पिताजी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो इसमें लगाया जा रहा है, ये जो तुम लगा रहे हो इसमें, ये क्या चीज है? ये तो कहाँ पे जी? और जो इसको चिपकाने के लिए जो तुम मटेरियल यूज कर रहे हो वो क्या चीज है? वो सिलोशन है। अच्छा, सिलोइड है। ठीक है, और ये पन्नी मतलब इसमें चिपक जाती है आराम से? जी हाँ। तुम इस कारोबार में कितने दिनों से हो? हमें होगा 2-4 महीने होगा वैसे तो। 2-4 महीने। ये तुमने कितनी पतंगे बना दी अभी? ये मैं सुबह से बैठा हूँ तो 400-500 पतंगे चढ़ी हैं बस। 400-500 पतंगे बना दी है, वेरी गुड। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है तुम्हारा? ये जैसे दिल्ली हो गई, और क्या कहते हैं, यहाँ से भी आ जाता है, दिल्ली से भी आ जाता है। और ये ठड्डे वगैरह कमान वगैरह कहाँ से आती है? ये कलकत्ता से आती है, तुलसीपुर से आती है, अलग अलग, जैसे छिलावा कमान ठड्डा होता है वैसे, सब अलग अलग जगह से आती है। कलकत्ता और तुलसीपुर से ज़्यादा आता है माल। तुम यार बहुत छोटे लग रहे हो, लेकिन इस कारोबार में काफ़ी हाथ जमाया हुआ तुमने। हाँ, कितने सालों से हो तुम इसमें? मैं 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, तो तुम्हें पूरा नॉलेज है जी। तुम भी बना लेते हो पतंग? जी जी। तो एक बना के दिखाओगे? जी इंशाल्लाह। चलो बना के दिखाएं किस तरह से बनाई जाती है। कई पटर वटर लगाना पड़ेगा ना सब चीज। अच्छा, ये जो ये हाथ में लगाया हुआ है क्या लगा रहे हैं? अबे ताव तो करी कमान चढ़ी गई मेरे। अरे लगाओ कोई बात नहीं, हम भी देख रहे हैं। आओ यार, तुम हमारे पुराने दोस्त हो, एक एक बताते जाओ हमें किस तरह से क्या कर रहे हो तुम। कुंदा चिपका रहा है, पटला तो सही करो, पटला क्यों मिला रहा हूँ? क्या चिपका रहे हैं? कुंदा चिपका रहा है ये। ये कुंदा होता है? हाँ ये कुंदा होता है। अरे वाह, ये कमान गोल करेंगे। कमान गोल करनी क्यों जरूरी है? ये कमान बैठेगी नहीं। कमान क्या बनेगा? घर जो बनता है गोल। अच्छा, ये जो ऊपर वाली होती है,
अब एक घुमाना इसको जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई अपनी उम्र कितनी होगी? 16 साल। 16 साल, देखो आप 16 साल का कितना कलाकार बच्चा है यार, इतना तेजस्वी बच्चा है कि क्या बताएं, और इतनी तेजी से काम कर रहे हैं भाई साहब, मजा आ गया हमें तो। इधर दिखाएं, पास में से दिखाओ इनको, देखो एक एक प्रोसेस को कितने सहज संभल के हमें बनानी पड़ती है पतंग, तब जाके जो है एक पतंग उड़ने लायक बनती है। ये पतंग तैयार हो गई, इसके बाद में भी कुछ और स्टेप रहता है? फिर टेप लगते हैं। और इसकी पूंछ? इसकी पूंछ भी लगती है, वो दूसरे कारीगर लगाते हैं। अच्छा, यहाँ से माल कहीं और जाता है? सब लोग तैयार करते हैं, जैसे 1000 ये करते हैं, 1000 वो करते हैं, 1000 पतंग है, तीन चार जनों के हाथ में जाती है। अच्छा। जैसे मैंने कमान चुड़ा दी और इन्होंने ठड्डे लगा दिए 1000 के, फिर 1000 के तैयारी करेंगे एक जना, तो 1000 पतंग पूरे दिन में 4-5 जने तैयार करते हैं। तो उसमें सब कुछ मतलब शुरू से लेके, जैसे वो भाई साहब पतंग वहाँ पे काट रहे थे उसका पन्नी, कटने से लेके पूंछ लगने तक जी पूरी मार्केट में उतरती है 1000 पतंग। हाँ ठीक। तो इसमें तुम्हारा उसके बाद में प्राइस वगैरह कैसे डिसाइड करते हो तुम? वो तो जब मजदूरी वजदूरी सब चीज जुड़ती है उसके बाद ही प्राइस डिसाइड होती है। मटेरियल, रॉ मटेरियल पे कुछ डिपेंडेंट नहीं होता? चीज होती है जैसे सब चीज जोड़ करके फिर उसके बाद प्राइस डिसाइड होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जयपुर के इन छोटे से गलियारों में कितना कितने बड़े कलाकार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कितना कि तुम्हारा टर्नओवर कितना आ जाता है, मतलब अगर एक अनुमान लगाया जाए? हफ्ते का अगर कहते 20-25 हज़ार, 30 हज़ार पतंगें बन जाती हैं। रुपए में बात की जाए कितने रुपए तुम महीने के छाप लेते हैं? महीने के 1-1.5 लाख रुपए, जिसमें से फिर कारीगर की कटती है, हमारा सिर्फ उसमें से 10% निकलता है। टोटल मिला के अगर नहीं भी मतलब जैसे जो मतलब सब चीज मिला करके 1-1.5 लाख रुपए बैठता है। तो 1.5 लाख रुपए ये महीने भर का है, अप्रोक्स आइडिया बता रहे हैं हमें। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, इनका वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है शायद, ये दुकान पे आए थे हम। तो कैसा चल रहा है वहाँ पे? वहाँ पे बढ़िया चल रहा है, अभी माल आया हुआ है, वो माल लग रहा है अभी दुकान पर। चलो दुकान पे भी आएंगे तुम्हारे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डिटेलिंग वगैरह जाननी हो या इनसे डायरेक्ट आपको संपर्क करना, तो मैं इनका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे आपके आप रॉ मटेरियल से लेकर के पतंग मतलब जिस तरह से बनती है आप देख सकते हैं, या खरीदना चाहें तो खरीद के भी ले जा सकते हैं। धन्यवाद।